पर मैं कपड़े सिलाई कर रही हूँ जो कि ईद की तैयारी होती है। एक तरफ से सबको ज़िलहज का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। ये दोनों बहनें वर्क कर रही हैं, वेकेशन वर्क हो रहा है इन लोगों का। यहाँ पर चल रहा है आयरन का काम और मैं कपड़े आयरन कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और यहाँ पर मैं कपड़े सिलाई कर रही हूँ जो कि ईद की तैयारी होती है। एक मैं सूट लेकर आई हूँ, रेडीमेड सिला सिलाया है, वो मैं सवाद से लेकर आई थी तो बस वो ही पहनूँगी। और उसके साथ की बस शलवार सीनी है मुझे चिकन की, वाइट कलर की। और एक सूट मैं ये सी रही हूँ अपना, और आप लोगों को दिखाऊँगी ज़रूर कि किस तरह का सूट सिला है। और बच्चियों के कपड़े भी ले आई हूँ मैं, दोनों बेटियों के ले आई हूँ। तो आज आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी जो मैंने शॉपिंग की है अपने बेटे की और दोनों बेटियों की, क्या क्या चीज़ें लाई हूँ और क्या क्या रहती हैं। और ऐसे ही मैं अपनी क्या क्या ले आई हूँ और अपना मेरा क्या क्या रहता है। और आप सबको मेरी तरफ से ज़िलहज का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। और आज पहली तारीख है और आई थिंक आपको ये व्लॉग मिलेगा कल, यानी 2 तारीख होगी। लेकिन मेरी तरफ से सबको ज़िलहज का चांद बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक सबको इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और जो भी साहिब हैसियत हैं अल्लाह ताला सबको, और जो साहिब हैसियत नहीं हैं उनको भी अल्लाह पाक सबको कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो आज पूरे दिन क्या होगा, कैसे होगा, जो भी होगा मेरे साथ रहिएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। और अब तक जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियोस को लाइक किया करें और अगर वीडियोस पसंद आया करें तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट्स छोड़ते जाया करें। तो चलें बाद में मिलते हैं फिर। देखिए जी, अभी मैंने इसमें लेस लगा ली अपने स्लीव्स में और अभी ये लगा रही हूँ डोरी पाइपिंग लेस, ये एक तरह की। तो अब ये लगा रही हूँ, ये देखें कैसी लगेगी। और यहाँ पर बच्चे अपना वेकेशन वर्क कर रहे हैं, वेकेशन वर्क भी हो रहा है और यहाँ सिलाई का काम भी चल रहा है। ये दोनों बहनें वर्क कर रही हैं, वेकेशन वर्क हो रहा है इन लोगों का। और ये दोनों बच्चे खेल रहे हैं, इनकी खेल ही नहीं ख़त्म होते हैं। ये ले जी, मेरी फ्रॉक कंप्लीट हो गई है तकरीबन, बस ये इतनी सी सिलाई रहती है, उसके बाद मेरा ये सूट जो है कंप्लीट हो जाएगा और फिर मैं ये आप लोगों को दिखाऊंगी पहनकर। कब? ईद पर, जिस दिन भी पहनूंगी, फर्स्ट डे या सेकंड डे, जिस दिन भी पहनूंगी उस दिन ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पर चल रहा है आयरन का काम और मैं कपड़े आयरन कर रही हूँ। हस्बैंड के इसके साथ साथ मैंने बनाए थे आज दाल, नहीं राइस और आलू गोश्त, जो कि हम लोग खा चुके हैं। बस हस्बैंड के लिए रखा है, इतना ही पकाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था, आलू गोश्त और राइस। और कल बनाऊँगी इंशाल्लाह, क्या बनाऊँगी दिखाती हूँ। मैं कटिंग करके रख लेती हूँ पहले से ही ना पकाने के लिए। इसमें वेजिटेबल्स कट की हुई है मैंने सारी इसके अंदर, तो देखते हैं कल क्या बनाते हैं। कल का मेन्यू में ये फलियां हैं, आप लोगों को समझ नहीं आएंगी, मुझे इसका नाम भी नहीं आता सही तरह से कौन सी फलियां हैं। 2 पैकेट बनाए थे तो इसमें से 1 पैकेट हम कल बना लेंगे, पका लेंगे। और इसमें इतनी सारी आइस जमा हो रही है क्योंकि मैं फ्रिज इतना ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ, खोलती नहीं हूँ बार बार, तो इस वजह से ज़्यादा बर्फ़ जमती है। फ़ैन चल रहा है, उसकी आवाज़ तेज़ आएगी, प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और मैं अपने हस्बैंड के कपड़े आयरन कर करके रख रही हूँ और बाकी मैं अलमारी में रख के आ चुकी हूँ, तो कपड़े आयरन कर लेते हैं। उसके बाद वो कपड़े रखे हुए हैं जो वॉश हुए थे और वो सूख गए हैं, तो अब इनको आयरन करने के बाद ये वाले कपड़े तय बना कर अलमारी में सेट करने हैं और जो जहाँ बच्चों के रखे जाएंगे वो सारे सेट करने हैं। तो अभी भी आप लोग मेरे साथ ही रहिए, देखते हैं अभी और क्या काम करना है बाकी। और रात हो गई है, 8 बज रहे हैं, रात के खाना खा चुके हैं हम लोग 7:30 बजे ही। बस मगरिब की अज़ान होते ही मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और फ़ौरन से खाना लगाती हूँ, ये रूटीन है मेरी। तो चलें जी, पहले ये करते हैं उसके बाद मिलते हैं।